नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि एक टेस्ट मैच कब ड्रॉ कहलाता है। चलिए शुरू किया जाए। तो एक टेस्ट मैच तब ड्रॉ कहलाता है जब कोई टीम ना तो जीतती है ना ही हारती है और ना ही वो मैच टाई होता है। अब बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि टाई का क्या मतलब होता है। टाई का मतलब होता है जब दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो जाता है। मतलब अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है तो इंडिया ने भी 200 बनाए और न्यूजीलैंड ने भी 200 बनाए हैं तो वो मैच टाई हो गया। ठीक है दोस्तों, ना कोई टीम जीतती है ना कोई टीम हारती है और ना ही टाई होता है तो फिर वो ड्रॉ कहलाया जाता है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि एक टेस्ट मैच ड्रॉ कब होता है, वो तो मैंने आपको एक डेफिनेशन बता दिया। अब ड्रॉ देखते हैं कब होता है। दोस्तों ड्रॉ तब होता है जब कोई भी एक टीम अपनी पूरी इनिंग्स ना खेल पाए या फिर दोनों टीम अपनी पूरी इनिंग्स ना खेल पाए, तब वो ड्रॉ हो जाता है। दोस्तों अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। पहली कंडीशन देखते हैं। पहले मान लीजिए कि इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली, उसके बाद न्यूजीलैंड अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग्स खेली, लेकिन इंडिया के सेकेंड इनिंग्स खेलने से पहले ही 5 दिन गुजर गए। ठीक है दोस्तों, और 5 दिन गुजर गए तो वो मैच ड्रॉ घोषित कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसका दूसरा केस देख लेते हैं। इंडिया और न्यूजीलैंड का फिर से मैच चला। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने बनाए 200 रन। ठीक है, इसके बाद न्यूजीलैंड खेल रहा है, न्यूजीलैंड ने भी बना लिए 200 रन। ठीक है, अब यहाँ पर जब न्यूजीलैंड ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली, इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली थी 200 बनाए थे, न्यूजीलैंड ने भी अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली 200 रन बनाए थे। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं। जब इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स खेल रहे हैं तो इस बार इंडिया ने 300 रन बनाए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड फिर से अपनी इनिंग्स खेलने आई थी तो वो जब बना रही थी रन, मतलब 200 पे पहुंची ही थी कि अभी तक 5 दिन खत्म हो गए। ठीक है दोस्तों, 5 दिन जब खत्म हो गए और न्यूजीलैंड की बैटिंग अभी भी बची हुई है तो फिर वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। अब दोस्तों तीसरे सिस्टम पे नजर मार लेते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है तो इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली, इसके बाद न्यूजीलैंड खेल रहा है, न्यूजीलैंड ने भी अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली, इसके बाद इंडिया अपनी पहली इनिंग खेलने आई रही थी या फिर इंडिया अपनी पहली इनिंग्स खत्म कर चुकी थी, अब न्यूजीलैंड की बारी आ रही थी खेलने की, लेकिन फिर अचानक से आ गई बारिश और बारिश ऐसी हुई कि 5 दिन तक बारिश होती रही। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए एक एक दिन सबने खेला, बाकी के 2 बचे दिन बारिश होती रही तो वो वाला मैच भी ड्रॉ ही घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों अब कर लेते हैं दूसरे पार्ट पे कि जहाँ पे दोनों टीमों ने अपनी पूरी इनिंग्स नहीं खेल पाई। ठीक है दोस्तों, पहले मान लीजिए इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, यहाँ पर भी इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली। ठीक है दोस्तों, इंडिया अपनी फर्स्ट इनिंग्स 3 दिन तक खेलती रही, इसके बाद न्यूजीलैंड आई, न्यूजीलैंड ने अभी अपनी फर्स्ट इनिंग्स 2 दिन तक खेलती रही, टोटल कितने हो गए 5 दिन। ठीक है दोस्तों, अब ना इंडिया के पास टाइम है कि अपनी वो दूसरी इनिंग खेले, ना न्यूजीलैंड के पास टाइम है कि वो अपनी दूसरी इनिंग खेले, क्योंकि 5 दिन गुजर गए हैं तो फिर यहाँ पे दोनों टीमों ने अपनी एक एक इनिंग्स कंप्लीट नहीं कर पाई तो वहाँ पे वो मैच ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा केस भी देख लेते हैं। मान लीजिए ऐसा हुआ, इंडिया और न्यूजीलैंड का फिर से मैच चल रहा है, हर बार इंडिया और न्यूजीलैंड का ही मैच होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर भी इंडिया और न्यूजीलैंड का ही मैच चल रहा है। यहाँ पे क्या हुआ कि इंडिया ने अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली और न्यूजीलैंड ने भी अपनी फर्स्ट इनिंग्स खेली, अब दोनों ने फर्स्ट इनिंग्स खेली थी कि बाकी बचे दिन बारिश हो गई तो वो वाला मैच भी ड्रॉ ही हो जाएगा। दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि इन दोनों सिस्टम में, जो मैंने आपको दोनों सिस्टम बताए कि इनमें कोई सी भी टीम कितने भी रन पीछे हो कितने भी रन आगे हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैच ड्रॉ ही हो जाएगा। तो आप देख लेते हैं कि फॉलो ऑन में कैसे मैच ड्रॉ होता है। इंडिया और न्यूजीलैंड का फिर से मैच चल रहा है, इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में 500 रन बना दिए, इसके बाद आई न्यूजीलैंड खेलने, न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 200 रन ही बना पाई। अब दोस्तों आपको ये नहीं पता कि फॉलो ऑन कैसे मिलता है तो आप मेरी पीछे की वीडियोस देख लीजिए, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे न्यूजीलैंड क्या होगा, इंडिया ने फॉलो ऑन दे दिया न्यूजीलैंड को तो न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग्स भी खेलने आएगी, अपनी पहली इनिंग्स के ठीक बाद दूसरी इनिंग्स भी खेलने आएगी क्योंकि इंडिया ने फॉलो ऑन दे दिया न्यूजीलैंड को। ठीक है, अब जब न्यूजीलैंड खेल रही होगी, अगर इसी बीच वहाँ पे 5 दिन गुजर गए टेस्ट मैच के तो वो मैच ड्रॉ हो जाएगा, पर शर्त ये है कि यहाँ पे न्यूजीलैंड के सारे विकेट नहीं गिरे होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फॉलो ऑन में भी मैच ड्रॉ कराया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो कि मैच कैसे ड्रॉ होता है और कब ड्रॉ होता है। यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।